रोमांच और रहस्य। मेरा सामान कहां गया? बेटा कहां हो तुम? दफ्तर में हूं। अच्छा ठीक है, खाना खा लिया क्या? हाँ खा लिया। और आपने? हाँ खा लिया। कुछ देर तक शांति रही और फिर वो कीबोर्ड पर उंगलियां चलाकर टाइपिंग करने लगा। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, आपको बाद में फोन करता हूं। ठीक है। रवि ने अपना फोन डेस्क पर एक तरफ रख दिया और उस ईमेल का जवाब लिखने लगा जो उसको अभी अभी मिली थी। उसका दफ्तर एक प्रकार का युद्ध का मैदान जैसा ही था। रवि की आंखें घड़ी पर ही लगी हुई थी। आधी रात का समय था पर दफ्तर में पूरी चहल पहल थी। वहां 2400 घंटे काम चलता था। तभी रवि का फोन फिर से बजने लगा। सर हम लोग दफ्तर के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, बस 5 मिनट और, कहकर रवि ने फोन बंद कर दिया। उसने लिखे हुए को एक बार फिर से पढ़ा, सब कुछ ठीक था। उसने उस ईमेल को भेज दिया और फिर कंप्यूटर को बंद कर दिया। उसने अपना लैपटॉप, हेडफोन, कॉफी का मग, सब कुछ अपने बैग में रखा और दफ्तर से बाहर निकल गया। वो आकर उस टैक्सी में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसकी माँ और बहन पहले से ही पिछली सीट पर बैठी हुई थी। ड्राइवर को एड्रेस पहले से ही बता दिया गया था। कुछ ही देर में वो टैक्सी हाईवे पर दौड़ रही थी। आकाश पर आधा चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। रवि बाहर ही दिख रहा था। रवि ने अपने फोन के कैमरे से चंद्रमा की एक फोटो लेनी चाहिए लेकिन फोटो में चंद्रमा दिख ही नहीं रहा था। तभी ड्राइवर ने कहा, सर हम लोग पहुंच गए हैं। रवि टैक्सी से बाहर आया और उसने डिक्की में से सामान निकाल लिया। वो एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले गेट की तरफ चल दिया। उसकी माँ और बहन उसके पीछे जा रही थी। वो उनको जल्दी आने को कहने लगा। उनको पहले ही कुछ देर हो गई थी। तभी उसने एक कॉफी का स्टॉल देखा। उसने एक कप कॉफी लेने का विचार किया। तभी घोषणा हुई, ये अंतिम बोर्डिंग कॉल है मिस्टर रवि, मिसेज सीमा चटर्जी और मिस मोनाली चटर्जी के लिए, कृपया जहाज पर पहुंचिए। रवि जल्दी जल्दी बोर्डिंग गेट की तरफ जाने लगा। सब औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। गेट पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। बोर्डिंग कार्ड दिखाने के बाद वह सुरक्षा गेट की तरफ चल दिया। तभी उसको किसी प्रकार का भय हुआ। गार्ड ने रुककर उसकी चेकिंग की। तभी उसने उसकी बहन के हैंडबैग को देखकर गार्ड ने कहा, सर इस बैग पर स्टाम्प नहीं लगी है। रवि ने कहा, लेकिन ये कैसे हुआ? हमने पहले ही बैग चेक करवा लिया था, मैं यकीन से कह रहा हूं। गार्ड ने कहा, माफ कीजिए, बिना स्टाम्प के मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। रवि को लगने लगा कि उसका जहाज छूट जाने वाला था। रवि अपना सामान गेट पर ही रखकर फिर से सुरक्षा गेट की तरफ चल दिया। उसने गार्ड से कहा, आपने इस बैग पर स्टाम्प नहीं लगाया था, तो अब क्या हुआ? अब स्टाम्प लगा दीजिए, पहले चेक करना चाहिए था, अब नहीं हो सकता, फिर से लाइन में लगिए। रवि को गुस्सा आ गया और उसकी गार्ड से बहस हो गई। गार्ड अपने सुपरवाइजर के पास गया। रवि ने मुड़कर अपने सामान की तरफ देखा। सुपरवाइजर ने आकर रवि से बात की। रवि आशा कर रहा था कि वो उसकी बहन के हेडबैग पर स्टाम्प लगा देंगे। तभी उसने गेट के सामान की तरफ देखा। उसके होश उड़ गए क्योंकि उसका सामान वहां पर नहीं था। वो दौड़कर इधर उधर उधर गया जहां उसने अपना सामान रखा था, लेकिन सामान तो गायब हो चुका था। पास ही एक कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। रवि ने उसको कहा, भैया क्या तुमने यहां पर कोई बैग देखा था? हाँ यही था, वो आदमी ले गया। उसने एक लंबे आदमी की तरफ संकेत किया जो जल्दी जल्दी बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहा था। रवि चिल्लाया, हे रुको, वापिस आओ। वो आदमी पीछे घुमा और उसने रवि को भी देखा पर फिर से गेट के अंदर चला गया। रवि उसके पीछे अंदर जाने लगा पर गार्ड ने उसको रोक दिया। रवि उस आदमी को अपने सामान के साथ जाते हुए देखता ही रह गया। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रवि की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसने अपने फोन पर व्हाट्सएप खोल लिया। तभी उसको लगा कि कोई उसको आवाज देकर बुला रहा था। रवि ने आंखें खोली, वो एक पलंग पर था। बाहर से संगीत की आवाज आ रही थी। वो उठकर बैठ गया। कमरे में काफी धुआं था। सूंघते ही वो समझ गया कि वो हुक्के का धुआं था। उसको लगा कि कुछ देर तक हुक्का पीने के बाद वो सो गया था शायद। तभी उसका दोस्त सुमन अंदर आया और बोला, वो लोग तुमको बाहर खोज रहे हैं और तुम यहाँ आराम से हो पलंग पर। उसने रवि को खड़े होने में मदद की और कहा, और हाँ वो यहीं पर है। रवि ने कुछ भी नहीं कहा और कमरे से बाहर चला गया। बाहर पार्टी हॉल था। सभी के हाथ में शराब के गिलास थे।
रवि बार की तरफ जाने लगा। तभी कोई उसके कंधे से टकराकर आगे बढ़ गया। उसने मुड़कर सॉरी कहा और फिर एक मेज की तरफ चल दिया। उस मेज पर एक लड़की इंतजार कर रही थी। रवि जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि वो तो वही थी, वो शायद उस आदमी के साथ खुश थी। तभी रवि को ध्यान आया कि वो तो वही आदमी था जो उसके बैग लेकर भाग गया था एयरपोर्ट से। वो आदमी और वो लड़की हंस हंस कर बातें कर रहे थे। रवि को उस लड़की की मुस्कान बहुत अच्छी लग रही थी, पर दूसरी तरफ उसको लग रहा था जैसे कोई उसके दिल में खंजर घुसा रहा था। वो जल्दी से रेस्टोरेंट में गया और अपने चेहरे पर पानी मारने लगा। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, तुम इससे निकल सकते हो? तभी वो फिर से बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली वो एक बिस्तर में था और उसके चारों तरफ शराब बिखरी हुई थी। वो सोचने लगा कि वो सब क्या हो रहा था। तभी उसको उसका गिलास दिखा जिस गिलास में से उसने अंतिम पैक पिया था। उस गिलास के पास ही एक कार्ड था। जैसे उसने उस कार्ड को पहचाना उसके दिल में दर्द उठा। लिखा था, हेलो, आज वतन का दिन है, अपना हाथ कार्ड के दाएं तरफ रखो मेरी उंगलियों की छाप के ऊपर और फिर हम दोनों एक शपथ लेंगे। हम हर हाल में सुख में दुख में साथ रहेंगे। हम दोनों हर जन्म में एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे पर पूरा विश्वास करेंगे। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तभी रवि ने अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप खोला। उसका प्रोफाइल खुला हुआ था। वो कार्ड तो उसने एक वर्ष पहले भेजा था। लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तभी रवि को ध्यान आया कि कैसे उसने एक वर्ष पहले उस लड़की को छोड़ दिया था और उसका दिल तोड़ दिया था। वो समझ गया कि उसका सामान ले जाने वाला आदमी उस लड़की का नया बॉयफ्रेंड था। उसको याद आया कि कैसे बैग खो जाने के बाद वो उस रात को एक बार में बैठकर रात भर शराब में और हुक्के में डूबा रहा था। उसकी माँ और बहन पहले ही जहाज में बैठकर जा चुके थे। रात भर उस बार में शराब पीने के बाद वो पीछे के एक कमरे में जाकर सो गया था। रात को ही उसने अपने दोस्त सुमन को भी उस बार में बुला लिया था। रवि नहीं जानता था कि वो जाल उस लड़की ने ही बिछाया था जिसके साथ एक वर्ष खेलने के बाद रवि ने छोड़ दिया था। रवि को याद आया कि कैसे उसने एक वर्ष पहले उस लड़की का जीवन भर साथ देने का वचन दिया था, पर उसने उस लड़की को धोखा दे दिया था। कुछ देर के बाद जब वो बार से बाहर आ रहा था तो उसने देखा कि वो लड़की उसके सामान के साथ बाहर खड़ी थी। वो बोली, ये तुम्हारा सामान है और ये आज की फ्लाइट का टिकट है, जाओ अपनी माँ और बहन के पास अपने शहर में। ये मेरे बदले की सिर्फ एक छोटी सी झलक थी, आगे से किसी लड़की को धोखा मत देना। हाँ, एयरपोर्ट पर तुम्हारी बहन का बैग मैंने बदल दिया था और बिना स्टैंप वाला वैसा ही बैग रख दिया था तुम्हारे सामान के साथ। इतना कहकर वह चली गई और रवि उसको जाते हुए देखता ही रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।